आप देख रहे हैं UNT, मैं हूं रवि शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर। NSUI की बात करें तो लगातार इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन उनके द्वारा किया जाता रहा। और आप भी मेरे ठीक पीछे आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर जो NSUI के जो छात्र संगठन है वो यहां पर लगातार प्रदर्शन जो है वो यहां पर कर रहे हैं। इंटरनेट सेवाओं की बहाली की मांग को लेकर इस समय जो प्रदर्शन है वो NSUI के द्वारा किया जा रहा है। और इनका ये कहना है कि अभी जल्द ही परीक्षाएं जो हैं वो जम्मू में शुरू हो जाएंगी और इंटरनेट जो है वो बंद है और डिजिटल इंडिया नो इंटरनेट, ये स्लोगन्स जो हैं ये तस्वीरों में आपको इस समय साफ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और NSUI के कार्यकर्ता लगातार पुतला जो है वो जलाकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो GC मुर्मू हैं उनसे जो है अपील की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं जो हैं उनकी बहाली की जाए। 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा फैसला लिया गया जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को ख़त्म किया गया। उसके बाद लगातार आज तक इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद हैं और उसी के विरोध में यहां पर NSUI के जो छात्र हैं वो लगातार यहां पर जो है वो प्रदर्शन करने के बाद पुतला जहां पर जला रहे हैं और लगातार इंटरनेट बहाली की मांग जो है वो यहां पर कर रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ऐसी हैं जिनके द्वारा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं को जो है वो उनकी बहाली की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जाता रहा है। यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहा है जम्मू यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर की, जहां पर पीछे आप लंबा जाम भी यहां पर देख सकते हैं। और ये पुतला जो है वो लगातार जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सभी छात्र हैं जिन्हें भारी परेशानी का सामना इस समय करना पड़ रहा है क्योंकि जम्मू में इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद हैं। वहीं प्रशासन का साफ तौर से ये कहना है कि सुरक्षा की जो दृष्टि है उसको मद्देनज़र रखते हुए यहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा गया है और जब प्रशासन को लगेगा कि अब इंटरनेट को खोलना चाहिए तब इंटरनेट को खोल दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आपको लगातार यहां पर दिखाई दे रही हैं ये जम्मू यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि रोष जो है वो यहां पर जताया जा रहा है इंटरनेट सेवाओं की बहाली की मांग को लेकर। छात्रों का साफ तौर से ये आरोप है कि जो वो पढ़ाई करते हैं उसमें इंटरनेट अहम भूमिका जो है वो निभाता है और इसी कारण उनकी पढ़ाई जो है वो यहाँ पर प्रभावित हो रही है इंटरनेट सेवाएं ना होने के कारण। वहीं एक तरफ NSUI के छात्र जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सुरक्षा की बात करें तो मेरे ठीक पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनज़र रखते हुए अर्धसैनिक बलों के जवान जो हैं उनको यहां पर तैनात किया गया है। इन अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ साथ यहां पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहां पर तैनात किए गए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जो सुरक्षा है उसमें कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को ख़त्म किया गया था और उसके बाद सुरक्षा बलों की तैनाती जम्मू कश्मीर में की गई थी। अतिरिक्त जो सुरक्षा बल हैं वो जम्मू कश्मीर में मंगाए गए थे और अभी इस प्रदर्शन के चलते आप देख सकते हैं कि सड़क मार्ग जो है फिलहाल जो गाड़ियाँ हैं उसकी लंबी लाइन भी यहाँ पर है, आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं। और ये अर्धसैनिक बलों के जवान जो यातायात है उसको सुचारू करने के लिए सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनज़र रखने के लिए इस समय यहाँ पर तैनात हैं और कोई भी रिस्क जो है वो सुरक्षा एजेंसीज और सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो यहाँ पर नहीं लेना चाहते हैं। ये UNT आपको सीधी लाइव तस्वीरें जो है ये जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर कि यहाँ पर दिखा रहा है जहाँ पर जो NSUI के कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। NSUI के कुछ जो छात्र हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अनिरुद्ध राणा, मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट NSUI हूँ। देखिए जिस तरह से प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का ये कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई हैं। आपको नहीं लगता कि जो सुरक्षा है वो सबसे सर्वोपरि है? इंटरनेट सेवाओं को तभी बंद किया गया, आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लंबे समय से और इंटरनेट सेवाओं को खोलने की मांग कर रहे हैं। सर ये कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? अगर ये BDC के चुनाव करा सकते हैं तो उससे बड़ा ये क्या कर सकते हैं? अगर इतनी सुरक्षा की बात थी तो BDC के चुनाव नहीं कराते। अगर ये BDC के चुनाव कराने में समक्ष होते हैं तो ये कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार जाके कहती है कि हालात बिल्कुल समान हैं जम्मू कश्मीर के, तो ये कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? सर आपको, आप बताइए मुझे कि आपको जम्मू में कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई सुरक्षा में ऐसा नहीं है?
क्या इनको अपने साइबर सेल पे भरोसा नहीं है? 9 लाख से ज़्यादा इन्होंने सैनिक यहाँ पे लगा रखे हैं, फिर भी ये बोलते हैं कि सुरक्षा का मसला है। इनको अपने साइबर सेल पे भरोसा नहीं है क्या? ये नेट नहीं चला सकते? कुछ नहीं है सर, ये 120 दिन हो चुके हैं अपने कमरों में आराम। कितनी दिक्कतों का सामना, अगर छात्र वर्ग की बात करें तो उनको इंटरनेट सेवाएँ जो हैं वो बंद होने से हो रहा है। सर मैं आपको बता नहीं सकता कि 120 दिन को छोटा टाइम नहीं होता सर। बच्चों के नेट के पेपर चल रहे हैं, सेमिस्टर एग्ज़ाम आने वाले हैं। कोई भी बच्चा सर इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक सब्जेक्ट के लिए वो 20 या 25 किताबें ले। इंटरनेट पे सिर्फ आपको एक सर्च पे जो बुक चाहिए, जो ऑथर चाहिए, जो राइटर चाहिए, मटेरियल मिलता है। बट ये देखे राजी नहीं है सुन लेते स्टूडेंट्स को, ये चाहते हैं कि वो किताबें खरीदें हर स्टूडेंट का। सर इतना आप यहाँ पर पुतला जला रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या जताना चाहते हैं इस पुतले को जलाकर? सर हम यही जताना चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट कब से कर रहे हैं सर। स्टूडेंट्स के साथ ऐसा मत कीजिए, गवर्नर साहब होश में आओ, इंटरनेट की सुविधा बच्चों को दी जाए। ये कौन से बदले दे रहे हैं सर, आप क्या कर रहे हैं? आपने तो ब्रॉडबैंड चला रहे हैं, हमें तो इंटरनेट दीजिए सर। चेतावनी के तौर पे कहते हैं कि जल्द से जल्द इंटरनेट शुरू किया जाए। अगर इंटरनेट शुरू नहीं किया जाता तो NSUI 7 तारीख से जम्मू बंद की कॉल दे रही है। जम्मू के जितने कॉलेजेस हैं, जम्मू प्रोविंस की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, वह सारी हम लोग उस दिन बंद कराएंगे और रोड पे आकर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। यही NSUI की आज की चेतावनी लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को है। देखा आपने कि किस तरह से जो NSUI के छात्र हैं वो लगातार जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका पुतला जलाकर प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे और जल्दी से जल्दी जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको बहाल करने की मांग जो है वो कर रहे थे। और साफ तौर से चेतावनी ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं कि अगर 7 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाओं को बहाल नहीं किया गया तो 7 दिसंबर को सभी कॉलेजेस जो हैं वो जम्मू प्रोविंस के ये छात्र नेता उसके बंद की कॉल देंगे। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या इंटरनेट सेवाएं बहाल हो पाती हैं या नहीं। कैमरामैन रमन कुमार के साथ रवि शर्मा, UNT जम्मू कश्मीर।